गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बच्चों आज मैं विजय कुमार सेन लेकर हाजिर हूँ आपके सामने 12th कॉमर्स का सब्जेक्ट बीएसटी चैप्टर फर्स्ट मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है, बीएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, आज मैं आपको लेकर के हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, क्या इफेक्ट है, ठीक है, चले आइए और शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास बच्चों, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम सब क्या है, हम सब मानव प्राणी हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड एवरी ह्यूमन बींग्स हैव सम नीड्स। और हर ह्यूमन बींग कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ जरूरतें होती है, और वो नीड्स होती है वो उन्हें मोटिवेट करती है, वो नीड्स होती है वो उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करती है। और इसी मोटिवेशन से हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई वर्क ढूंढता है, क्योंकि ये नीड हमें मोटिवेट करती है। हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पूरी दुनिया में जितना भी काम है उन सभी काम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर वन लीगल, नंबर टू इलीगल। हमने काम को दो भागों में बांट दिया, एक काम होता है लीगल, दूसरा काम होता है इलीगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल। लीगल किसे कहते हैं, मतलब लीगल की बात करते हैं तो देखिए, जब भी कोई काम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो वर्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारी सोसाइटी के द्वारा अलाउड होता है, उस काम को हम लीगल वर्क करते हैं। दुनिया में जितने भी काम है उन सभी काम को अगर हम देखें तो दुनिया के जितने भी काम है जो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन और वहां की सोसाइटी के द्वारा जब वो काम अप्रूव हो जाते हैं तो उस काम को हम लीगल वर्क करते हैं, उस काम को हम लीगल वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एक लीगल वर्क है, क्योंकि हमारा समाज इसे स्वीकार करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ाने की अनुमति देता है, ठीक है। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करना, जॉब करना, बिजनेस करना, ये सब क्या है, ये सब लीगल है। दूसरी ओर हम पढ़ते हैं इलीगल, ऑल ऑफ द वर्क डेट आर नॉट अलाउड, ऑल ऑफ द वर्क डेट आर नॉट अलाउड बाई आवर सोसाइटीज, बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे समाज के द्वारा, हमारी सोसाइटी के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अलाउड नहीं है उन्हें कहेंगे इलीगल। रॉबरी है, डकैती है, चोरी है, लूटना है, लोगों को ठगना है, वो सब क्या है, इलीगल वर्क। क्लियर। अच्छा, आगे हम लीगल वर्क की बात करें तो दुनिया में जितना भी लीगल वर्क है उन सभी लीगल वर्क को दो भाग में बांट रहे हैं। नंबर वन फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक। फर्स्ट इज इकोनॉमिक वर्क, सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक वर्क। बच्चों इकोनॉमिक वर्क किसे कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक वर्क किसे कहेंगे। इकोनॉमिक वर्क की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ द वर्क दैट्स मेन पर्पस टू प्रॉफिट, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है, धन कमाना है, तो उस काम को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक।
है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ और मैं आपके सामने टीचिंग कर रहा हूँ. मेरा उद्देश्य समाज सेवा तो है, लेकिन मेरा एक उद्देश्य पैसा कमाना भी है, धन कमाना भी है. तो टीचिंग एक कैसा काम है? टीचिंग एक इकोनॉमी. आपके फादर एक शॉप चलाते हैं और शॉप पे कुछ चीजें सेल करते हैं. आपके पापा जो काम कर रहे हैं वो काम कैसा है? इकोनॉमी. एक व्यक्ति है जो एक बिजनेस चला रहा है, एक व्यक्ति जो स्कूल चला रहा है, एक व्यक्ति एक टैक्सी चला रहा है, एक व्यक्ति कोई कंपनी चला रहा है, एक व्यक्ति कोई फैक्ट्री चला रहा है. जितने भी काम है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? आर्न मनी, प्रॉफिट कमाना है, धन कमाना है, उसे हम इकोनॉमी की बात. दूसरी ओर जो काम हम इसलिए करते हैं, जो हम या तो करते हैं लव के लिए, अफेक्शन के लिए, या फिर किसी की हेल्प करते हैं, या हम इसलिए करते हैं कि वो करना हमारे दिल को अच्छा लगे. जब मामला दिल का हो, या हम ऐसे कहें कि जब समाज की सेवा के लिए काम करते हैं, किसी की भलाई के लिए काम करते हैं, पुण्य के लिए काम करते हैं, ईश्वर के लिए काम करते हैं, तो वो काम कौन सा है? नॉन इकोनॉमिक. इसमें हमारा उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसमें हमारा उद्देश्य है समाज की सेवा करना, उसमें हमारा उद्देश्य है लोगों की सहायता करना. या हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे प्यार है. मैं मेरी मदर के लिए, मैं मेरी मम्मी के लिए एक साड़ी ला करके उन्हें गिफ्ट में देता हूँ. क्या मैं उनसे बोलूंगा मम्मी 200 रुपए की साड़ी मुझे 300 रुपए दीजिए? नहीं बोलूंगा. क्यों? क्योंकि वहां पर मम्मी के साथ मेरा प्यार हुआ है, मेरा प्यार है. मैं मेरे बच्चों के लिए ट्रॉफी ला के देता हूँ, उन्हें एक पेन ला के देता हूँ, तो वो अफेक्शन है. रास्ते में कोई व्यक्ति भिखारी है, कोई बैगर से, या मानो कोई और कोई नीडेड पर्सन है जिसको कुछ पैसों की आवश्यकता है, मैं उसे कुछ पैसे उधार देता हूँ, मानो उसे कुछ खाने पीने कुछ चीज देता हूँ. एक व्यक्ति बैगर के रास्ते में बैठा हुआ है, मैं उसे कुछ पैसे देता हूँ या उसे कुछ खाने पीने की चीजें मैं उसको दे रहा हूँ, तो क्या है? वो है. लेकिन मैं उस व्यक्ति को दे रहा हूँ और बदले में उसे पैसे दे रहा हूँ, तो क्या है? इकोनॉमी. क्लियर? तो यहाँ हमने पढ़ा कि जितने भी लीगल वर्क है वो दो भाव बटे हुए हैं, इकोनॉमिक और दूसरा है नॉन. बच्चों नॉन इकोनॉमिक जो वर्क है बहुत कम होता है, रेयर मात्रा में, ठीक है? लेकिन ज्यादा काम कौन से होते हैं? इकोनॉमिक. 90% काम कौन से होते हैं? इकोनॉमिक. 10% काम कौन से होते हैं? नॉन इकोनॉमिक. क्लियर? क्योंकि समाज से भी काम बहुत कम होते हैं और ज्यादा कौन से काम होते हैं? इकोनॉमिक. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक का वर्क है, उन सभी इकोनॉमिकली वर्क को हमने आगे ला करके दो भाग तीन भाग बांट दिया. दुनिया में जितने भी आर्थिक गतिविधियां हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं, ऑल ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज बिजनेस. सेकेंड इज प्रोफेशन. थर्ड इज दुनिया में जितने भी काम है वो तीन भागों में बटा हुआ है. नंबर एक बिजनेस, जिसे हम कहते हैं व्यवसाय. नंबर दो प्रोफेशन, जिसे हम कहते हैं पेशा. और नंबर तीन जॉब, जिसे हम कहते हैं कंपनी. दुनिया में जितने भी काम है उन सभी कामों को हमने तीन भागों में बांट दिया. या तो वह व्यक्ति कोई व्यवसाय कर रहा होगा, या व्यक्ति वह पेशेवर क्रिया में होगा, या वह व्यक्ति किसी के अधीन रह करके नौकरी कर रहा होगा. ये सभी इकोनॉमिकल कार्य है. अब हम बात कर रहे हैं व्यवसाय, ठीक है? सबसे पहले बात करें व्यवसाय प्रिपरेशन की, ठीक है? देखो व्यवसाय जहां जहां होगा वहां वहां होंगे रिसोर्सेज. व्यवसाय में क्या किया जाता है? तो व्यवसाय में जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनकी यूटिलिटी पे काम किया जाता है. व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय में रिसोर्सेज की यूटिलिटी पे काम किया जाता है. रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया.
किया जाता है और उन्हें उपयोगी बनाया जाता है। व्यवसाय जहां भी होगा वहां पर रिसोर्सेज के काम होगा और रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा। अब रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज की बात करें तो ऑल ऑफ द थिंग्स एक्टिव रिसोर्स है और ह्यूमन बीइंग, ये अदर रिसोर्सेज है, इन रिसोर्सेज के
वर्क करता है, इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, इन रिसोर्सेज पर काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये तो आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बात ये करते हैं कि रिसोर्सेज जो है हमने दो बात की थी बिजनेस में दो बात की थी, एक तो रिसोर्सेज और दूसरी बात की थी यूटिलाइज। यूटिलाइज और रिसोर्सेज की बात की, रिसोर्सेज हमने जाना कि रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्सेज 5M। इन 5M को यूटिलाइज करना क्या कहलाता है, इन 5M को यूटिलाइज करने के लिए हमें जो एक्टिविटी करनी पड़ती है उस एक्टिविटी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। फाइव जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। जनरल क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मैनेजमेंट, जनरल क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मैनेजमेंट, तो यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज आर मैनेजमेंट, जनरल क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है किसी भी फर्म में, किसी भी संस्था में, किसी भी क्षेत्र में जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है, उनको यूटिलाइज करने की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, उस एक्टिविटी का नाम है मैनेजमेंट। बच्चों 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आपके मैनेजमेंट का है कि मैनेजमेंट क्या है, तो हम इस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा विस्तार अध्ययन करते हैं कि व्हाट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है ये मैनेजमेंट मैन्योर, मैनेजमेंट जो बना है वो मैन्योर, ये मैन्योर एक लैटिन वर्ड है। मैनेजमेंट जो बना है वैसे कहा गया है कि लैटिन वर्ड मैन्योर से बना है, और इस मैन्योर का मतलब होता है, इस मैन्योर का मतलब होता है, इस मैन्योर का मतलब क्या होता है, हैंड का मतलब हेल्प का, हैंड का मतलब है हेल्प, हेल्पिंग है टू अदर्स। इसका मीनिंग तो ज्यादा है, ये बना लैटिन वर्ड मैन्योर से है, लेकिन मैन्योर का जो मीनिंग जो ज्यादा है वो ये है कि हेल्पिंग हैंड्स टू अदर, ए गुड मैनेजर प्रोवाइड्स हैंड्स टू अदर, एक अच्छा मैनेजर होता है और दूसरे लोगों की हेल्प करता है, दूसरे अपने जो अंदर जो कर्मचारी हैं, जो अपने अंदर में जो वर्कर है उन सभी लोगों के लिए सहायता करता है, उनको डायरेक्शन देता है, तो यहाँ पर हेल्प का भी मतलब डायरेक्शन से भी लिया जा सकता है। यहाँ पर हेल्प का एक जो मीनिंग है वो डायरेक्शन से भी लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि हैंड्स जो है डायरेक्शन टू अचीव वंस पर्पस, डायरेक्शन टू अचीव वंस पर्पस। हैंड्स में यहां पर आपको दो बात बता रहा हूं, मैन्योर, मैन्योर का मीनिंग क्या है हैंड, लेकिन हैंड का मीनिंग देखें इसका पूरा शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ है दूसरों की सहायता करना, हेल्पिंग हैंड्स टू अदर। इसका एक अर्थ डायरेक्शन से लिया जाता है, डायरेक्शन टू अचीव वंस पर्पस, एक व्यक्ति के टारगेट को, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को डायरेक्शन देना, लोगों को एकजुट करना,
ये मैनेजमेंट का कॉमन मीनिंग जो लगाया गया है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट है टू मैनेज, टू मैनेज द मैन। देखो मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन ये भी समझ आ रही है कि मैनेजमेंट क्या है, तो टू मैनेज द मैन विथ टैक्टफुली। यहाँ पर मैन को मैंने लिखा है, यहाँ पर इस मैन को क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज टू टाइप्स के रिसोर्सेज है, एक्टिव एंड डियर। एक्टिव जो रिसोर्सेज है वो कौन सा है? मैन। और ये मैन जो एक्टिव जो रिसोर्सेज है इसी के द्वारा अदर जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर काम किया जाता है। ये मैन जो रिसोर्सेज है यही अदर रिसोर्सेज को यूजफुल बनाता है, उनको यूज में लेता है। और इसको अगर आपने टैक्ट के साथ में अगर मैनेज कर लिया तो आपकी फर्म, आपकी संस्था ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट हो जाती है। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी मैनेजमेंट की। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। कुछ डेफिनेशन मैनेजमेंट की है, कुछ स्कॉलर्स है, उन स्कॉलर्स के नाम के साथ हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपको हर चैप्टर में से जो भी टॉपिक है उसमें से कम दो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताइए, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन को आप एक्सप्लेनेशन जहां पे दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पे जो क्वेश्चन आता है वहां पर डेफिनेशन लिखना जरूरी होता है। हम बात करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन है आपको लिखू मेरी पार्टनर फॉर एक्स। मैनेजमेंट इज द पार्ट टू गेटिंग वर्क द वर्क डन थ्रू अदर पीपल। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट के बारे में मेरी पार्टनर कॉलेज, ये एक स्कॉलर है और ये स्कॉलर जो है ये आपको डेफिनेशन दे रहे हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो मेरी पार्टनर कॉलेज के अपने कुछ बच्चों की शिकायत रहती है सर हमें स्कॉलर्स के नाम याद नहीं रहते। स्कॉलर्स के नाम बहुत सिंपल है, जो का नाम है इसका मेरी पार्कर कॉलेज। आप इसको सिंपल सी भाषा में याद रखो कि मेरा पार कर लिया कॉलेज, मेरा पार कर लिया कॉलेज, मेरी पार्कर पार कर लिया पार कर, मेरा क्या पार कर लिया वॉलेट, मेरा वॉलेट पार कर लिया। अगर आप इसको इस तरह से लिंक करके याद रखेंगे तो ये नाम आपके लिए सिंपल हो जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये फॉरेन नेम्स हैं, तो जल्दी से बच्चों को याद नहीं होते, लेकिन इसको टेक्निक के साथ याद रखोगे, सिंपल वे में याद रखोगे तो याद हो जाता है। तो मेरी पार्टनर कॉलेज, मेरी पार्टनर कॉलेज क्या करेंगे? मैनेजमेंट इज द आर्ट। यहाँ पर आर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि मैनेजमेंट करना अपने आप में एक कला है, हर कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। जिसके पास मैनेजमेंट मैनेज करने का हुनर होता है, जिसके पास मैनेज करने की नॉलेज होती है, स्पेशल नॉलेज होती है, वही व्यक्ति मैनेज कर सकता है। तो इसको एक आर्ट कहा गया। मैनेजमेंट इज द आर्ट टू गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर पीपल्स, दूसरे लोगों से काम करवाने की कला। दूसरे लोगों से काम करवाने की कला ही क्या है मैनेजमेंट। मैनेजर एक व्यक्ति है, उसके अंदर में खूब सारे लोग हैं, ये एक मैनेजर है और इसके अंदर में खूब सारे लोग काम कर रहे हैं। जितना अच्छा मैनेजर होगा उतना अच्छा लोगों से काम कर रहा है।
इसका काम क्या है? इसका काम है लोगों को डायरेक्ट करना, लोगों को डायरेक्शन देना कि हाउ टू डू, काम कैसे करना, तो दूसरे लोगों से काम करवाना। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो लोगों से काम करवा सकता है, जो दूसरे लोगों से काम करवाता है। तो डेफिनेशन किसकी पड़ी? डेफिनेशन की मेरी पार्ट का फॉर इट, और मेरी पार्ट का फॉर इट कहता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट टू गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स पीपल। दूसरी डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरी डेफिनेशन है बेटा एक्ट अप्रूवल। दूसरी डेफिनेशन एक्ट अप्रूवल की पढ़ रहे हैं। एक्ट अप्रूवल के बारे में आपको बता दूं कि एक्ट अप्रूवल जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट फादर है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसे कहा जाता है? एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। इनकी परिभाषा क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, but you want to do and then see that they do in the cheapest manner. As Daniel Taylor, Frederick Winslow Taylor, father of scientific management, कहते हैं कि management is an art. Management क्या है? तो management एक कला है ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, कि तुम क्या करना चाहते हो। सबसे पहले ये जानना कि तुम करना क्या चाहते हो। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, देन सी व्हाट दे डू इन द चीपेस्ट मैनर, और फिर यह देखना कि उस काम को सबसे अच्छे तरीके से, सबसे सस्ते तरीके से, सबसे एफिशिएंट तरीके से किस तरह से किया जा सकता है। सबसे पहले यह पता लगाना कि तुम करना क्या चाहते हो, फिर यह देखना कि उसको सबसे चीपेस्ट मैनर में, चीपेस्ट वे के अंदर, एफिशिएंट मैनर में सब कैसे किया जा सकता है। ये कौन कह रहे हैं? एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमने ये दो डेफिनेशन देखी और दोनों डेफिनेशन में ये बता रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, ये आर्ट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अच्छा, लास्ट में हम इसका कॉन्क्लूजन देखते हैं कि बाकी इसका कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन की बात करें तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस। ऑफ गेटिंग वर्क ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल्स। Other people in
सीपेज मैनर। कॉर्पोरेट कॉन्क्लूजन में हमें कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, प्रबंध एक कला और एक विज्ञान है। अभी हम बात करेंगे आगे इसको विज्ञान क्यों कहा हमने, ये हम नहीं कह रहे कुछ स्कॉलर से इसके साथ देंगे हमारे, हम इसको आगे बाई में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट एन आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल्स इन चीपेस्ट मैनर। हमें दूसरे लोगों से काम करवाने की कला है, प्रबंध एक दूसरे लोगों से काम करवाने की कला है और वो भी किसी में चीपेस्ट मैनर, कम से कम खर्चा हो, कम से कम एक्सपेंसेस के अंदर बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट हमें मिले, बस वही क्या है प्रबंध है। आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है, विशेषता होती क्या है, वो विशेष चीजें जिनके द्वारा किसी चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम पहचानते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेषता कहते हैं। नाम ही क्या है, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स से, कैरेक्टरिस्टिक्स बना करेक्टर से, जिसके द्वारा हम उसे क्या करते हैं, इसके द्वारा हम किसी चीज को किसी तथ्य को पहचान सकते हैं, वो कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इट्स ए ह्यूमन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हम बात करें कि एनिमल्स या बर्ड्स या अदर क्रिएचर्स जो भी है, अगर उन्हें मैनेजर की पोस्ट पर बैठा दिया जाए, उनके द्वारा मैनेजिंग करवाया जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट एक ह्यूमन एक्टिविटी है, यह एक्टिविटी मानव के द्वारा मानव के लिए ही किए जाती है, इसलिए इसे क्या कहा गया, ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य के द्वारा की जाती है, ह्यूमन बींग के द्वारा की जाती है, इसलिए इसे ह्यूमन एक्टिविटी कही जाती है। सेकेंड की हम तो बात कर रहे हैं, सेकेंड का आपके टॉपिक है वो है चैलेंजिंग टास्क। मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग टास्क है। मैनेजमेंट चैलेंजिंग टास्क क्यों है, क्यों कहा गया है मैनेजमेंट को चैलेंजिंग टास्क? क्योंकि एक संस्था में, एक फर्म में जो ह्यूमन बींग्स जो भी काम करते हैं, जो वर्कर्स जो काम करते हैं, जो मैनेजर्स जो होते हैं, जो स्टाफ जो होता है, सबका अलग अलग दिमाग, सबकी अलग अलग सोच विचारधाराएं होती है, उन सबके विचार अलग अलग होते हैं, सबके काम करने का तरीका अलग होता है, सबका नजरिया अलग होता है, सबके थॉट्स अलग होती है, उन सबको एक साथ एक डिश के लिए हम आगे की ओर प्रेशराइज करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, उन सबको एक उद्देश्य के लिए काम करवाना होता है।